अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप सो यू आर डूइंग ग्रेट। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। आज हम हाजिर आपके लिए एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम आपको एमएस वर्ड के बारे में मज़ीद टूल्स का इस्तेमाल करना सिखाएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो देखने से पहले जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने एमएस वर्ड में पेंट टैग को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम आ गए अपनी एमएस वर्ड की स्क्रीन पे। यहाँ पे मैंने वर्ड टाइप किया है पाकिस्तान। पाकिस्तान टाइप करने के बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया और उसको फ़ॉन्ट थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया, ताकि स्क्रीन पर जो है वो अच्छा सा लगे, शो हो जाए। इसका फ़ॉन्ट चेंज किया। फ़ॉन्ट चेंज करने के बाद इस पर थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करते हैं। इसका फ़ॉन्ट इंक्रीज़ किया है, उसके बाद इसका हमने कलर चेंज किया है, हाइलाइटर किया है इस पर, इसके बाद इसका कलर चेंज किया है, ग्रीन कलर ऐड करते हैं, ये देखें। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि यही सेम फॉर्मेटिंग किसी और टैग पे भी इस्तेमाल हो, और हम दोबारा से इस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं करना चाहते। सिंपली एक क्लिक से हम चाहते हैं कि फॉर्मेटिंग जो है वो ऐप ऐड हो जाए। इसके लिए आपने होम टैब पर जाना, और ये फॉर्मेट प्रिंटर इस टैब पर आप ऐड करेंगी, इस पर क्लिक करें, और इसके बाद एक चीज़ और लिखनी है आपने जिस पर ऐड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ मैं एक और टेक्स्ट ऐड करती हूँ, कश्मीर, KASHMIR, ये देखें मैंने कश्मीर ऐड किया। मैं चाहती हूँ यही सेम फॉर्मेटिंग जो है ना, मुझे दोबारा से ना करनी पड़े किसी और पे, और ये दोबारा से इस पर हो जाए। पहले मैं इसको फॉन्ट नॉर्मल करती हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए। कलर भी चेंज करते हैं, इसका ब्लैक करते हैं, ये देखें ये नॉर्मल फॉर्मेटिंग कश्मीर की है। तो अब मैंने जिस जो फॉर्मेटिंग जिस पे अप्लाई करनी है, उस पर क्लिक करके उसे सिलेक्ट किया, नेक्स्ट होम टैब पे गए, वहाँ से फॉर्मेट प्रिंटर की टैब को क्लिक करके यहाँ पे देखे, सेम हमने इस पर क्लिक किया, तो वही सेम फॉर्मेटिंग जो है दूसरे पे ऐड होगी। तो ये हमारा छोटा सा टूल था। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।